क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। आज हमारा लेक्चर नंबर 3, उसमें हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड के अकॉर्डिंग उसके कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है। फर्स्ट है मॉलिक्यूलर, सेकंड आयोनिक, थर्ड मेटालिक एंड फोर्थ कोवेलेंट, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर टाइप के सॉलिड है, मॉलिक्यूलर टाइप के सॉलिड में उसके तीन टाइप्स है। कौन से तीन टाइप्स, तो नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो पोलर और नॉन पोलर के बारे में आप लोगों को पता है, व्हाट इज पोलर, मतलब कि व्हेन टू डिफरेंट टाइप इलेक्ट्रोनेगेटिवली कंपाउंड अटैच विद ईच अदर, मतलब फॉर एग्जांपल एच प्लस एंड सी एल माइनस, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा प्लस और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा माइनस। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, मतलब HCl फॉर्म करते हैं, तो उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसे हम क्या बोलते हैं, पोलर, ठीक है। नॉन पोलर बॉन्ड मतलब डिफरेंट टाइप सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिविटी कंपाउंड अटैच विद ईच अदर, मतलब फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन अटैच विद ईच अदर, तो वो उसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा बॉन्ड है, नॉन पोलर, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब व्हेन हाइड्रोजन अटैच विद अदर कंपाउंड, अदर एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल इन आइस H2O, ठीक है। तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट में तीन टाइप्स, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पोलर में क्या आएगा, तो उनमें पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें फोर्सेस क्या होंगे, लंडन फोर्सेस, लैपोटेंशियल इंट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये लंडन फोर्सेस है वो किसमें होंगे, कि नॉन पोलर में, लैपोटेंशियल फोर्सेस किसमें होंगे, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उसका फिजिकल नेचर, तो नॉन पोलर है वो क्या होंगे, सॉफ्ट, पोलर है वो भी सॉफ्ट होंगे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग छोटे कंपाउंड है वो क्या होंगे, हार्ड होंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो तीनों के तीनों नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो वो क्या है, इंसुलेटर है, उसके मेल्टिंग पॉइंट। तो जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर के मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वेरी लो कंपेयर टू पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड में लो है। उसके एग्जाम्पल, तो आयोनिक के एग्जाम्पल है, सॉरी नॉन पोलर के एग्जाम्पल है Ar, CCl4, H2O2 एंड CO2। पोलर के एग्जाम्पल है HCl एंड SO2। हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जाम्पल है H2O, आइस, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड आयोनिक, तो आयोनिक में पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयन्स। तो आयोनिक सॉलिड कब फॉर्म होते हैं, जब आयन प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl, ठीक है। तो Na प्लस और Cl माइनस, तो Na क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करते हैं, गेन करते हैं, तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। तो उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयोनिक आयन्स होते हैं, फोर्सेस कौन से होते हैं, कूलम्बिक फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। उसका जो फिजिकल नेचर है वो क्या है, तो कि हार्ड बॉन्ड ब्रिटल। उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो जब भी आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन जब वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, मॉलिक्यूलर स्टेट में आते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल NaCl अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, लेकिन व्हेन NaCl डिसॉल्व इन वाटर, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, हाई है। उसके एग्जाम्पल है NaCl, NgO, ZnS एंड CaF2। नेक्स्ट थर्ड टाइप है हमारा मेटेलिक, मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड किसमें टाइप्स में क्या आएगा, तो मेटल्स आएंगे, ठीक है। तो उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन इन द शेप ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव आयन डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, मतलब जो मेटल है ना उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस होते, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म में आएंगे, तो एक्साइटेड फॉर्म में वो क्या करेंगे, उसमें मूविंग करेंगे, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल रहे हैं, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। उसका जो फोर्सेस है वो मेटालिक बॉन्डिंग है, उसका जो फिजिकल नेचर है वो हार्ड बट मेल्डेबल एंड डक्टाइल। इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, कौन से स्टेट में, क्योंकि मोल्टन एंड सॉलिड डोनर स्टेट। उसका मेल्टिंग पॉइंट है 5, 12 भी हाई है। उसके एग्जांपल है MpCu, AgN, Mg, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है, फोर्थ में क्या है, कोवेलेंट, कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड में पार्टिकल्स क्या आएंगे, एटम आएंगे, उसका प्रोसेस क्या आएगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग आएगा। उसका फिजिकल नेचर, और देखो उसके फिजिकल नेचर में टू टाइप्स है, हार्ड भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं, ठीक है।
जो हार्ड है ना वो क्या है, इंसुलेटर है, दोनों में सॉफ्ट और हार्ड में उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हार्ड। ठीक है, हार्ड के एग्जांपल है SiO2 क्वार्ट्ज सिलिका। ठीक है, और नेक्स्ट है SiC एंड कार्बन। कार्बन का कौन सा फॉर्म, डायमंड फॉर्म। आपको इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन के बारे में पता है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेन। ठीक है, तो जो डायमंड है ना, डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, क्योंकि आउटर मोस्ट में जो चार इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, वो चारों के चारों कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं। उसकी वजह से डायमंड क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, सेकंड है सॉफ्ट। तो सॉफ्ट वाला क्या होगा, उसके कंडक्टर होगा, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस में। और उसके एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब उसका जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या होगा, sp2 में तीन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं, लेकिन वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेता है। आप लोगों ने 10th और 11th दोनों में ग्रेफाइट की फिगर देखी होगी, उसमें लेयर होते हैं। ठीक है, तो वो जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है फोर्थ नंबर का, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूवेबल होता है। वो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड में से थर्ड, वैसे वो मूवेबल होता है। उसकी वजह से ग्रेफाइट क्या है, थोड़ा सॉफ्ट है।